हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने आपके एग्ज़ाम की जो है वो जो डेट की घोषणा पहले ही कर रखी थी जो कि 19 सितंबर थी, उस डेट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन था आप लोगों के बीच में और आप लोग परेशान हो रहे थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और आप एक तरीके से जो है अपने स्टडीज़ में जो है थोड़े डिस्टर्ब थे। जो लोग टारगेटेड थे उन्होंने तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी है एंड मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक बार आयोग ने जो डेट दे दी है उस डेट को लेकर के तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं सही मायने में वो बिल्कुल परफेक्ट अपने रास्ते पे हैं, परफेक्ट पाथवे पे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी जो है अपने दिमाग में अभी ये घुसा के रखा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कल उनको जो है आयोग की तरफ से एक हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है और अब आप लोगों को बिल्कुल संशय की स्थिति में नहीं होना चाहिए। अभी तक भी अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे तो आप लोगों को ये चीज़ें अब समझनी होंगी कि आयोग ने जो है इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो अपनी तैयारियों को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। एग्ज़ाम लेने के लिए उनके जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल एक्टिवली जो है वो वर्क कर रहे हैं और हर तरीके से जो है आयोग के कर्मचारी एक्टिव हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। मेरे पास कल से लेके आज सुबह तक, यानी कि अभी जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है फ़ोन ये भी आए कि वो स्टिल अभी भी वो जो नोटिफिकेशन का जो पेज है, जो पीडीएफ है, वो अभी भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या ये सही है या कोई फेक है या किसी ने बना करके किसी तरीके का बनावटी जो है वो डाल दिया है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैं आपको शुरू से ही कहती आई हूँ कि आप इधर उधर उधर की बातों पे क्यों ध्यान देते हैं, आपको किसी के कहे में क्यों जाना, किसी के बहकावे में क्यों जाना, किसी के छलावे में क्यों छलना, आपको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। आप नेट पे जाइए, आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की साइट को रेगुलरली विजिट कीजिए, आप किसी के कहने में क्यों जाएंगे। आप इनफैक्ट मैंने 200 बार कितनी बार बोला है कि आप मेरे भी किसी कथन पे क्यों जाएंगे। आपके पास आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, चाहे किसी भी सोर्स से यू आर कैपेबल। आप लाइब्रेरियन की तैयारी की बात कर रहे हैं और कंप्यूटर की शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास है कि आप अपने आयोग की जो है वेबसाइट को विजिट कर सकें। तो आप आयोग की अगर वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे तो आपका कभी भी दिमाग किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से अपने को डिस्टर्ब नहीं पाएंगे। चलिए, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन भी है तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार जो है लाइव आकर के या इस तरीके के वीडियो बना करके मैं कम से कम समझा सकूं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी जो है दिमागी हालत उनकी अभी भी ऐसी है कि क्या ये फेक है या सही है, उनको एक जो है वो साक्ष्य के रूप में बिल्कुल मैं यहीं के यहीं दिखा दूंगी। हम बात कर रहे हैं RSMSSB, हमने देख लीजिए, मैंने ये साइट जो है वो ओपन कर रखा है RSMSSB। जब आप टाइप करते हैं तो ये साइट आपकी ओपन हो जाती है। आप भी इसको, जो लोग इसको फेक मान रहे हैं, इस न्यूज़ को झूठा मान रहे हैं, वो लोग भी एक बार अपने आप खोल करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी भी आप मेरे कहे पे मत जाइए, आप अभी भी जो है अपने हिसाब से साइट को खोलिएगा। आप RSMSSB या RSSB जो है दोनों में से कोई सा भी जो है एक कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे, गूगल, याहू, जिस भी आप सर्च इंजन के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं उसमें आकर के देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ का एक ऑप्शन आ रहा है। इस लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जो है आपका लाइब्रेरियन, ये देखिए ये आ गया 2018 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते साथ ही, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्लिक करते साथ ही ये एक पेज ओपन होता है जिसमें आप सेकेंड नंबर पे देख सकते हैं लाइब्रेरियन 2018 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्ज़ाम, और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये लेटर जो है आपका डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा जो है ये इशू किया गया लेटर है, और लेटर की डेट भी आप देख सकते हैं 31/8
2020 को जो है ये लेटर इशू किया गया है, विज्ञप्ति है। मैं एक बार पढ़ करके क्विकली जो है इसका रिव्यू आप लोगों को दे देती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा चयन नियम 1971 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग, ओके, हमारी जो वैकेंसी है थर्ड ग्रेड वाली वो किसकी तरफ से है? माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 485 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 215, कुल मिलाकर के 700 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 11/2018 दिनांक 21 मई 2018 को जारी कर दी गई थी, यानी कि आज से लगभग 2.25 साल पहले। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए थे, ये उस समय की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बोर्ड की संशोधित विज्ञप्ति क्रमशः 1310 दिनांक 1/11/2019 यानी कि 1 नवंबर 2019 के तहत जो है उक्त पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा है तो पुनः संशोधित श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार अब इसमें गैर अनुसूचित के 478 कर दिए गए, जबकि पहले कितने थे? गैर अनुसूचित 485 और अनुसूचित के 222, जबकि पहले कितने थे? 215। लेकिन कुल मिलाकर के जो है वो जो पदों की संख्या है वो कितनी थी? 700 पहले भी थी, और जो हमने जो संशोधित किया आयोग ने उसमें भी जो है वो पदों की संख्या कितनी आई है? 700 ही आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आगे चलते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती परीक्षा 2018 दिनांक 19/9/2020 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियरली जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, को आयोजित किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाएंगे, से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि जो प्रवेश पत्र है वो आपका इसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड किया है उसी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड किया जाएगा। आप रेगुलरली, आप जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप एक शेड्यूल बनाइए कि 24 घंटे में एक बार चाहे कोई सा भी समय आपको इस साइट को विजिट करना है अपने अपडेशन के लिए, अपने प्रवेश पत्र के लिए। तो आप एक बार जो है इस वेबसाइट को 24 घंटे में एक बार ज़रूर खोलिए, से डाउनलोड कर सकते हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 के बचाव के मद्देनज़र गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ये आयोग की तरफ से बिल्कुल सेफ्टी और जितने भी हमारे हेल्थ इश्यू को मेजर करते हुए जितने सेफ्टी मेजर्स हैं उन सबको जो है वो ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको भी पता है COVID-19 से जो है वो बिल्कुल सबकी लाइफ काफ़ी बदल गई है, काफ़ी बदलाव जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर देखा जा सकता है, हर एक स्थानों पे, हर एक क्षेत्र में जो है वो बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको अचानक से स्टॉप नहीं किया जा सकता है, इसको इसके लिए हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, हम जो है एक बचाव की प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है और हमें अपने जीने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। ये जो बीमारी है, ये जो हमारे सामने जो COVID-19 जो एक चैलेंज हमारे सामने आया हुआ है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना अभी की परिस्थिति में जो है वो बहुत असंभव वाली बात है। तो हमें कोशिश करना होगा कि हम किस तरीके से जो है इसके साथ जी सकते हैं। तो इसके साथ जीने के लिए हमारा खुद का जो है सेफ्टी मेजर होना चाहिए, यानी कि बचाव की प्रक्रिया हमारी खुद की अपनी होनी चाहिए। जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं, जितना हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उतना हमारी
लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे टाइम घर में बैठे रहें अपने सेफ्टी मेजर्स को लेकर के। आज मैं भी हूँ, आज आप लोगों के सामने हूँ, सेफ्टी मेजर्स मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी मेरी अपनी खुद की भी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इस चीज़ को भुला नहीं सकती हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ बच्चों को मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी ज़रूरत है। तो हम लोग भी इस प्रोफेशन को कंटिन्यू, इनफैक्ट लॉकडाउन के बीच में भी हम लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं घर में बैठ करके दिए, चाहे हम लोग कोचिंग आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो इस बीच में हम भी तो चल ही रहे हैं ना, हम भी तो कार्य कर ही रहे हैं ना, लेकिन सुरक्षा के सारे उपायों को जान करके सुरक्षित वातावरण में, एक सुरक्षित परिवेश में अपने दिमाग को स्टेबल करके स्वस्थ मन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जिनको अभी भी ये लग रहा है कि कोरोना है, कैसे एग्जाम देंगे, कैसे बचेंगे, कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है वो माइंडसेट को चेंज कीजिए, आप जितना हो सकता है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखिए, आप हाथों को हमेशा धोते रहिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो कोशिश करें कि आपके जो हाथ हैं वो नाक पे, होठों पे, आंखों पे टच ना हो, कानों के पास टच ना हो, आप सीधा लिखें, बाहर आएं आप हैंड वॉश से या साबुन अपना साथ में कैरी करें, वहाँ पे अच्छे से साबुन से हाथ धो करके जो है आप अपने सारे काम लगभग थोड़े थोड़े रूटीन के करना चालू कर दीजिए। एकदम से मैं नहीं कहती कि बिल्कुल आप पहले की तरह की लाइफ में आ जाइए, पहले की तरह की लाइफ तो बेटा किसी की भी नहीं रही, किसी की भी नहीं रही। पहले वाली लाइफ में लौटने में जाने कितने महीनों, कितने साल लगने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता है कि कितना समय लगना है। लेकिन हाँ, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो रोज़मर्रा के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, या जो हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारे करियर से रिलेटेड, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ेंगे, हम एकदम से स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के जीवन चक्र में जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, और जो मनुष्य उन चैलेंजेस से निकल करके अपने एक जगह बनाता है, अपने लिए स्थान सुनिश्चित करता है, वो ही इस जीवन में जो है सही मायने में सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। तो आगे हम चलते हैं, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझाना, इन्हीं सब चीज़ों को देख करके तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप अपनी आँखों से देख रहे हो वेबसाइट पे ये जो है अपलोड किया हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी दिमाग में आपके कौतूहल मचा हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका जो है एक बेवकूफ़ी से भरा नज़रिया जो है वो परिचित करता है लोगों के सामने। तो आप ऐसा ना करें, आपको जब यहाँ वेबसाइट पे दे दिया गया है तो ये भ्रामक प्रचार जो चल रहे हैं ए टू जेड, मैंने कई लोगों के देख लिए एग्जाम होगा कि, मतलब बच्चा तो बच्चा परेशान है, जो मेंटर्स हैं जो उनको गाइड करने वाले वो और उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो एग्जामिनेशन के पहले के 15-20 दिन होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही नाजुक पल इनको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो पल होते हैं ना, ये पल ही डिसाइड कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। मेहनत आपकी अपनी जगह है, लेकिन ये जो पल हैं, ये क्षण हैं, ये जो दिन होते हैं ना, इन दिनों से ही जो है वो संभावित हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये जो पल हैं, ये जो क्षण हैं, ये जो है वो कहीं ना कहीं आपके उस चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। तो इन पलों को अब आप स्टेबल होकर के अपने अध्ययन में लगाएं। जिनका अध्ययन कंप्लीट हो चुका है, जिनके टॉपिक्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, आप जितने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, आप शेड्यूल बना करके उतने क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो भ्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें, बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माने। मैं तो कहती हूँ आप समाचार पत्र भी एक बार हटाओ, अगर आप ये भी हटाओ, आप वेबसाइट पे ही जो है वो आदत बनाइए, 24 घंटे में एक बार आप इस वेबसाइट को विजिट करने की हैबिट डालिए, और कोई नया अपडेट अगर होता है तो आप इसी को सर्वमान्य मानिए, क्योंकि ये आयोग की निजी वेबसाइट है, आयोग की ही वेबसाइट है, यहाँ पे कभी कोई झूठ या किसी भी तरीके की भ्रामक न्यूज़ जो है वो नहीं आएंगे। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के सामने जो है वो आऊं और आप लोगों को ये बात कहूं। मैं लाइव आना चाहती हूं, लेकिन लाइव आने में मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कई बच्चों का समय जो है वो
नुकसान होता है, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है तो लाइव में जो है समय कई बच्चों का जो है मैंने देखा है कि जो जिनको समय की ज़रूरत है तैयारी करने में, वो समय वो लाइव जो है वो वीडियोस के लिए या लाइव हो करके रहते हैं, जिनमें क्या पता कई बार ऐसा होता है कि उनके काम की चीज़ें मिल भी सकती हैं, उनके काम की चीज़ें नहीं भी मिल सकती हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको ये डिसीजन लिया कि मैं एक वीडियो के रूप में जो है आप लोगों के सामने प्रेषित करूं, ताकि जिनको देखना है वो समय निकाल करके देख ले, और जो नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ने में लीन है तो उनको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, जिनको अभी भी नहीं पता कि तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जिनके साथ वाले लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। साथ वाले लोगों से तात्पर्य जो दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो दुनिया भर के इंस्टाग्राम्स ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ट्विटर्स हैं, और जितने भी हैं इन सारी जगहों पे जो भ्रामक न्यूज़ चल रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो इन सब जगहों को मैंने पहले भी बोला है, एग्जाम टाइम में तो आप एक बार थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बाकी डिसीजन आपका है, आप अपने लिए खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं। मेरे साइड से अगर किसी भी तरीके की आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या कभी आपको लगता है कि आप मुझसे बात करके सहज महसूस करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर मुझसे बात कीजिए 9460345178। ये मेरा नंबर है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, आप इस नंबर पे मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता होगी तो आप बेहिचक इन नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो तैयारी में आप अपना जो है वो कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगला जो थर्ड यूनिट का हमारा पेपर है हम उसी शेड्यूल पे करेंगे, जो शेड्यूल मैंने बनवाया था, टेस्ट सीरीज हमारी उसी शेड्यूल पे उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय।